एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब ठीक हो। मैं आई हूँ मार्केट और आज हम लोग जाने वाले हैं श्राद्ध पे। तो हमारे जो एक आंटी है हमारी दुकान में काम करते हैं, मतलब मेरी मम्मी के छोटा सा फैमिली है दुकान में जो काम करते हैं सभी हमारी फैमिली। तो वो आंटी के ही मम्मी की तबीयत खराब की वजह से ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो वो नहीं रहे, उनका ही श्राद्ध पे हम लोग जाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा कुछ ख़रीदने के लिए मार्केट पे आई हूँ, सोच रही हूँ कि आंटी के लिए कुछ ख़रीदूँगी। तो ये है मार्केट, मार्केट का भी थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। क्या नाम है मैम? मस्जिदपुर टी है जी। हाँ, मस्जिदपुर। साड़ी देख रहे हैं सब ग्रीन। अच्छा, ये कलर करी, ये पक्का कलर के कलर ठीक है। मुशन गए वीडियो बनाई थी। यह है मेरी मामी मेरे बड़े मामू के फ्रेंड के ही वाइफ है मामी। मामी तो हमारा शॉपिंग हो गया है। मेरा ये छोटा छोटा हेयर ऐसे निकल आता है, इसलिए मैं हेयर को मैं बांधती नहीं हूँ। अभी हम लोग चले जाएंगे साथ के जगह पे, मंदिर पे है। श्राद्ध हो चुके हैं कल, आज सभी को खिलाएंगे। अभी हम लोग शॉपिंग ख़त्म करके निकल चुके हैं। साड़ी लिया है आंटी के लिए। बस ठीक है, नहीं टेम्पल अभी बंद है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पूजा के साथ, पर वो जो ब्लॉग है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैंने शॉर्ट ब्लॉग बनाई थी, लेट हो गया था तो अपलोड नहीं किया। उमा महेश्वरी टेम्पल, तो यहाँ श्राद्ध पाठ के खान पान खिलाते हैं। पहले भी मैं आ चुकी हूँ हमारे एक आंटी के हस्बैंड के साथ। ये जो जगह है ना, ये पेड़ है, उसके लिए अलग सा रास्ता रखा गया है। पेड़ को काटा नहीं और इसको काट से ढक के रख दिया है। देखिए और हम लोग लास्ट टाइम पूजा के साथ आए थे, तो हम कभी भी इस साइड पे कभी आए नहीं थे। ये जो तीन तीन दरवाज़ा है, ये यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और गणपति बप्पा का भी मंदिर है यहाँ। तो गाइस ये है नानी जी, आंटी जी की मम्मी। तो यहाँ बहुत सारे खाने का सेक्शन है अपना अपना, मतलब नानी जी के साथ साथ आज दूसरे किसी और का भी श्राद्ध है। श्राद्ध मतलब वही खान पान का। बैठते हैं, बाहर बारिश होने लगी है, हम लोग खाने के लिए बैठे हैं।
पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, ये तो खुशी वाला फंक्शन का खाना पीन खान पान दावत नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी श्राप का खाना। और नानी जी के लिए प्रे करिएगा, हम प्रे ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, खान पान हो गया। खाते टाइम बारिश शुरू हो गई थी, अभी हम जा रहे हैं घर तो बारिश भी रुक गई। टाउन हॉल बस वहाँ से आके मैं थोड़ी देर सोई, अभी शाम हो चुकी है देखिए। और यहाँ आके देखा कितना सारा ये सब बर्तन भी धोना है, ये सब साफ करना है, बहुत ही बिखरा पड़ा है हर चीज़। और ये जो है ना, ये देखने में कितना कैसा एक अलग ही थोड़ा अंधेरा सा वाइब देते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको कलर कर दूँ, इतना गंदा हो गया है। और यहाँ मैंने सामान रखा है, और ये वॉल का कलर देखिए, ये मैंने बोला था कि लाइट कलर, इससे कलर चेंज हो गया फ़ोन के कैमरे पे तो ये कलर मुझे एकदम ही नहीं पसंद, बट क्या करें, घर मिलने से मतलब था, एक घर मिल जाए बस अच्छा सा छोटा सा जहाँ हम अच्छे से रह पाए। तो ये सब चीज़ मैं अभी क्लीन करूँगी। तो चलो, मैंने क्लीन कर लिया है जल्दी जल्दी बर्तन, और दो और एक बर्तन टेबल पे पड़ा था, इसको भी धोना पड़ेगा। और धोने के बाद मैं यहाँ रखती हूँ फ़िलहाल, यहाँ एक रैक होता तो अच्छा होता बर्तन के लिए, तो वो भी हो जाएगा फ्यूचर में मे बी। वैसे ये धोने के बाद ऐसे ही रखती हूँ कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं नीचे रख देती हूँ जो प्लास्टिक का रैक था पहले का वह। तो गाइस, रात के 9 बजे अभी जाना पड़ रहा है बाज़ार, अर्जेंट है तो ये है यहाँ का बाज़ार। वो मम्मी का ही इम्पोर्टेंट कुछ काम, कुछ सामान लेना था इसलिए आई हूँ। सब दुकान बंद हो रहा है, लेट भी हो गया, मम्मी ने बहुत पहले ही बोला था जाने के लिए, पर मैं वीडियो एडिट कर रही थी। वैसे भी आज मैं मम्मी के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आ भी गई सामान ला, सामान जो इम्पोर्टेंट सामान लेना था वो भी ले लिया और बाज़ार भी कर लिया। पर मेरा तबीयत इतना ख़राब लग रहा है, वो आज का व्लॉग थोड़ा सा मैंने डेली व्लॉग वाला बनाया, अंधेरा मुझे देखने का, तो आज मैंने डेली व्लॉग बनाया है। एंड कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू इतना तक देखने के लिए, तो आज के लिए इतना ही, बाय।